नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। SJVN के तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड में मैंने ओपन किए हैं, इसमें अमाउंट सारा लाखों में, देखेंगे किस तरह के नतीजे हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, सितंबर 21 से लेकर दिसंबर 21 में चेक करेंगे कंपनी की टोटल इनकम, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा गिरकर आती हुई दिख रही है। 925 करोड़ की पोस्ट की गई थी पिछले क्वार्टर में, जो कि गिरकर 610 करोड़ की आई है, लेकिन YOY 533 करोड़ के सामने थोड़ी बढ़कर है, लेकिन क्वार्टरली ज़बरदस्त डिक्लाइन कंपनी की टोटल इनकम में हुआ है। अब देखते हैं टोटल इनकम में से टोटल खर्चे निकालने के बाद, खर्चे बाद में देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम एंड टैक्सेस यहाँ देखेंगे 618 करोड़ से 304 करोड़ के क्वार्टरली आए हैं, यानी आधे रह गए हैं, और लास्ट ईयर से 276 करोड़ के सामने काफ़ी फिर भी बढ़कर आए हैं। आगे खर्चे देखें कंपनी के किस तरह के हुए, तो 307 करोड़ से खर्चे 305 करोड़ के हैं, यानी खर्चे कंपनी के फ्लैट रहे हैं खर्चे नहीं बढ़ने के बाद, क्यों मेन रीज़न रहा कंपनी की इनकम गिरना, इसी वजह से PBT भी डिक्लाइन आपको दिख रहा है। और पिछले साल खर्चे 257 करोड़ के थे, उसके सामने फिर भी बढ़कर 305 करोड़ के पोस्ट किए गए हैं। अब देखिए, एक्सेप्शन आइटम में खर्चा कंपनी ने लास्ट ईयर 241 करोड़ का बुक पे लिया था, उसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट मेनली काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। इस वजह से यहाँ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम एंड डेफर्ड अमाउंट बैलेंस इस टैक्सेस इससे चेक करेंगे तो 618 करोड़ के सामने जो है क्वार्टरली 306 करोड़ का डिक्लाइन दिख रहा है, वहीं YOY 277 करोड़ के सामने 306 करोड़ के बढ़कर आ रहे हैं। तो नतीजे ओवरऑल वीक ही कह सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली बहुत ज़्यादा कंपनी की इनकम में डिक्लाइन आ चुका है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और एक बार यहाँ चेक करेंगे, जो कि अलग अलग सेगमेंट से एडजस्टमेंट्स करने के बाद 404 करोड़ टोटल हुआ था मुनाफा पिछले क्वार्टर में, वो 235 करोड़ का रह गया है, जो कि लास्ट ईयर 197 करोड़ से थोड़ा सा बढ़कर आया है। आगे देखेंगे, अर्निंग पर शेयर है 1.03 रुपये से गिरकर 60 पैसे की आई है, लेकिन साल दर साल 50 पैसे के सामने 60 पैसे हल्की सी मामूली बढ़त लिए हुए है। अब देखिए, आज स्टॉक में 2-3% की तेजी बनी है और स्टॉक ने एक हर्डल को फेस किया 32 रुपये के ऊपर। देखिए, 32 को निकालना मुश्किल है, जिस हिसाब से क्वार्टरली इतनी तेज गिरावट आई है। 31 पे अगर स्टॉक संभल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको और वीक होते हुए देखने को मिल सकता है। और वहीं 32 के ऊपर तेजी स्टॉक पकड़ेगा, जिसकी संभावना मुझे नहीं लग रही आने वाले दिनों में, क्योंकि नतीजे वीक है, इसका इफेक्ट रहेगा चार्ट पे। कमेंट कर बताना SJVN कैसे लगा आपको नतीजे, क्या आपने बाय कर रखा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।